फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी वीडियो के लिए थंबनेल कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो है, आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है थंबनेल मेकर। आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे यह आ गया है, हमें इसे क्लिक करना है। अभी ये जो आ रहा है थंबनेल मेकर सेकंड नंबर पे, हम इसे क्लिक करेंगे। ये मैंने डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। अभी हम इसे ओपन करते हैं। ये रहा थंबनेल मेकर, अभी मैं इसको ओपन कर रही हूँ। अभी ओपन हो रहा है। अभी हमें उसमें क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे कैमरे का सिंबल आ रहा है, इसमें जाके क्रॉप एंड ऐड पिक्चर, इसमें जाएंगे हम। इस पर क्लिक करेंगे। एक गैलरी से फोटो चूज करना है तो गैलरी में जाएंगे। अभी जैसे कि मेरे को लेनी है ये वाली फोटो, तो अभी मैं इसको लूंगी और मैं इसे क्रॉप करूंगी और मैं इसे लगा दूंगी जैसे कि ये। मैं इसे क्रॉप कर रही हूँ। अब मैं इसको क्रॉप पे वो क्लिक कर दूंगी। अब ये हो रहा है। यहाँ पे एक्चुअली नेट की बहुत प्रॉब्लम होती है, अच्छे से नहीं आता। ये हो गया। अभी यहाँ पे जो ब्लैक कलर का बॉक्स आ रहा है, हम इससे इसका साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने बड़ा कर दिया और इसको मैंने इस कॉर्नर में लगा दिया। अभी मैं स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक कर दूंगी और मैं एक और फोटो ले रही हूँ जैसे, तो मैंने ये वाली फोटो ली है। और अभी हम इसको क्रॉप कर देंगे। और अभी इसको भी साइज में बड़ा करके इस कॉर्नर में लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे आप कोई भी फॉन्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हीरे लिखा। और यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉन्ट्स आ रहे हैं, हम इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं जो हमें अच्छा लगे। मैं ये वाला चूज कर रही हूँ। अभी इसमें भी ये जो एक ब्लैक कलर का बॉक्स आ रहा है, इससे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अभी मैं इसको पूरा बड़ा कर रही हूँ। और ये जो ऊपर एक बॉक्स आ रहा है, इससे कलर चेंज होता है। जैसे कि अभी मैं इसका कलर कर रही हूँ डार्क ब्लू, ठीक है। और अभी ये जो लास्ट में ग्रेडियंट फिल है, हम इसमें जाएंगे। ये बैकग्राउंड का कलर देने के लिए है। यहाँ पे हम ये कोई भी कलर भी चूज कर सकते हैं। और यहाँ से बैकग्राउंड्स भी है, जैसे कि ये है, ये है, मीन्स बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई भी चूज कर सकते हैं। जिसमें रोज वाला कर रही हूँ। तो अभी हमें इतना ही करना है। अभी यहाँ पे जो सेव का ऑप्शन है, हम यहाँ पे जाएंगे, इसमें सेव में गए। अभी यहाँ पे आ रहे हैं डाउनलोड JPG। तो अभी हम इसमें जाएंगे और हमें इस पर क्लिक करना है। फिर ये आ रहा है एंटर फाइल नेम, तो इसमें अपने आप ही आता है फाइल का नेम। और अभी हम इसको बस डाउनलोड कर लेंगे। हमने इसे डाउनलोड कर लिया और अभी ये डाउनलोड हो चुकी है। अभी गैलरी में जाके चेक करते हैं। गैलरी में गए, एल्बम्स में, जैसे कि अब नहीं, ये नहीं है, हाँ ये रहा। तो अभी ये फ्रेम की पिक्चर आ गई है। और अभी आप इसको सेट कर सकते हैं अपनी यूट्यूब के उस पर। तो बस फ्रेंड्स, इतना सा काम करना है। और अगर आपको भी हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।